अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर जूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने फाइलम पोरीफेरा को डिस्कस किया था, उसमें जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा और उसके एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। आज न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुए और इसका भी ताल्लुक फाइलम पोरीफेरा से है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। जैसे एग्जाम में आता है कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन स्पंजेस, एक और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है डिफाइन स्पंजोसील एंड टाइप्स ऑफ स्पंजोसील, और एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि राइट डाउन द क्लासेस ऑफ स्पंजेस। तो आइए इन तमाम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। पहला हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेल्स इन स्पंजेस। तो यूजुअली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ स्पंजेस, नंबर वन पिनेकोसाइट सेल्स, नंबर टू कोएनोसाइट सेल्स, नंबर थ्री पोरोसाइट सेल, और एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं अम्यूबोसाइट सेल्स। लेट सपोज दैट अगर हम स्पंज का एलएस लें विच मींस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो हमें वाजह तौर पर ये सेल ऑर्गेनाइजेशन नजर में आएगी। ये हमारे पास और यू नो वेरी वेल स्पंजेस कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, और ये सेल्स इसकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या कहते हैं एक्टोडर्म कहते हैं। ये हमारे पास क्या है आउटर मोस्ट लेयर है जिसका नाम क्या है एक्टोडर्म है। अब इस एक्टोडर्म में देखिएगा ये फ्लैटेंड टाइप के सेल्स क्या है मौजूद हैं, और इन सेल्स को क्या कहते हैं पिनेकोसाइट सेल कहते हैं। क्या कहलाते हैं ये पिनेकोसाइट सेल्स, यानी कि विच मींस दैट एक्टोडर्म किन सेल्स की बनी होती है पिनेकोसाइट सेल। तो आप बड़ा सिंपल सा कमेंट लिख देंगे कि एक्टोडर्म मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट सेल्स, तो बात हमारी चल रही है पिनेकोसाइट सेल्स के ऊपर कि एक्टोडर्म एक्टोडर्म मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट सेल्स। अब ये जो पिनेकोसाइट सेल्स होते हैं कैसे होते हैं फ्लैटेंट होते हैं, दीज आर फ्लैटेंट इन शेप और हैविंग एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और इनमें सुकड़ने की भी सलाहियत होती है। और चूंकि एक्टोडर्म पिनेकोसाइट सेल्स के बने हुए इसलिए एक्टोडर्म को पिनेकोडर्म भी कहा जाता है, पिनेकोडर्म भी कहते हैं। सेकंड जो टाइप है सेल की स्पंज की बॉडी के अंदर उसको हम कहते हैं कोएनोसाइट सेल्स। अब ये कहां पर मौजूद होते हैं, ये हमारे पास देखिएगा एंडोडर्म है, कौन सी डर्म है लेयर एंडोडर्म। बेसिकली एंडोडर्म के अंदर वास शेप, किस टाइप के होते हैं सेल्स वास शेप जिन्हें कोएनोसाइट सेल कहते हैं, ये वास शेप सेल हैं, इन वास शेप सेल को कोएनोसाइट सेल कहते हैं। ये हमारे पास क्या है कोएनोसाइट सेल। अगर हम कोएनोसाइट सेल की बात करें कोएनोसाइट सेल बेसिकली जो एंडोडर्म है एंडोडर्म मेड अप ऑफ कोएनोसाइट सेल्स। अब क्योंकि एंडोडर्म कोएनोसाइट सेल पर मुश्तमिल इसलिए इसको कोएनोडर्म भी कहते हैं कोएनोडर्म। किस शेप के होते हैं वास शेप। अगर आप कोएनोसाइट को बड़ा करके देखें तो इस टाइप की इसकी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें सीलिया या फ्लेजिला होते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। तो यूजली ये हमारे पास क्या है कोएनोसाइट सेल। अब कोएनोसाइट सेल
किस शेप के हैं? वास शेप के होते हैं, यूजली वास इन शेप, सुराई मानंद होते हैं। हैविंग फिलेजीला, हैविंग फिलेजीला या सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, या सीलिया लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प द पिकिंग ऑफ द फूड मटेरियल, जो भी डेट्राइटस होते हैं उनको पिकअप करने में मदद देते हैं, और यूजली टेक्स पार्ट इन अ डाइजेशन, टेक्स पार्ट इन अ डाइजेशन, और हाजमे में हिस्सा लेते हैं, यानी कि स्पंजिस के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी है और यूजुअली सेक लाइक एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन भी क्या है, मौजूद है। तीसरे टाइप के जो सेल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पोरोसाइट सेल, तो यू नो वेरी वेल जो फाइलम पोरीफेरा है उनको नाम ही इसीलिए दिया गया कि उनके अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें ओस्ट्रिया कहते हैं, और ओस्ट्रिया बेसिकली ये जो ओस्ट्रिया है और किस चीज के बने होते हैं, पोरोसाइट सेल्स के, किसके फॉर्म होते हैं, पोरोसाइट सेल्स। What do you mean by porocyte cell? यानी कि ostia and osiculum made up of porocyte cells. Ostia and osiculum made up of porocyte cells. तो ये हमारे पास फेमस सेल्स मौजूद है किसके अंदर, स्पंजेस की बॉडी के अंदर, के एक्टोडर्म पिनेकोसाइट सेल्स के बने होते हैं, एक्टोडर्म सॉरी किसके बने हुए, पिनेकोसाइट, जबकि एंडोडर्म किसके बने हुए, कोएनोसाइट सेल्स की बनी हुई है, और इसके अंदर जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं जिन्हें ओस्टिया और लार्ज पोर को क्या कहते हैं, ओसिक्यूलम, किसका बना होता है, पोरोसाइट सेल। अब दोनों लेयर्स के दरमियान जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, इन जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर अम्यूबा शेप के सेल्स पाए जाते हैं। अगर हम इसको बड़ा करके देखें, अम्यूबा टाइप के जो सेल्स हैं इस टाइप के ये हमारे पास अम्यूबा शेप क्या है, सेल्स हैं। अब चूंकि इनकी शेप अम्यूबा लाइक होती है इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, अम्यूबोसाइट सेल्स। अब इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है, पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है अम्यूबोसाइट सेल का, कि दिस टेक्स पार्ट इन अ रिप्रोडक्शन, टेक्स पार्ट इन अ रिप्रोडक्शन, पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन, यानी बात चलिए फंक्शन ऑफ अम्यूबोसाइट सेल्स, यानी कि टेक्स पार्ट इन अ रिप्रोडक्शन एंड यूजली स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि गैमेट्स जो फॉर्म होते हैं रिलीज होते हैं, किन सेल से रिलीज होते हैं, अम्यूबोसाइट सेल से। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, टेक्स पार्ट इन फेगोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस, डियर स्टूडेंट लास्ट टाइम आपको बताया था कि व्हाट डू मीन बाय फेगोसाइटोसिस, यूजुअली सेल ईटिंग प्रोसेस क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस कहलाते हैं। इसके अलावा अम्यूबोसाइट से सेल का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन सीक्रेशन करना है, सीक्रेशन। अब इस सीक्रेशन में क्या है कि मुख्तलिफ टाइप की सीक्रेशन करते हैं, समटाइम कैल्शियम कार्बोनेट की, समटाइम सिलिका की, और समटाइम स्पंजिन फाइबर्स की। तो इस बुनियाद पर एक खास स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, सीक्रेशन की बुनियाद पर खास स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि स्पंजिस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और उनका नाम है स्पीक्यूल्स, यानी कि स्पीक्यूल्स जो है फॉर्म फ्रॉम द सीक्रेशन ऑफ द अम्यूबोसाइट सेल्स। अब स्पीक्यूल्स डिफरेंट स्पंजिस में डिफरेंट होते हैं। अब इन स्पीक्यूल्स की बुनियाद पर फाइलम पोरीफेरा की क्लासेस क्या कर दी गई, बना दी गई। तो आइए डिस्कस